चलिए, तो कल जो है क्वेश्चन नंबर 17 बता ही दिए थे आप लोगों को ना, तो ये मैच भी कर लिए थे, होमवर्क भी दिए थे आपको 18 नंबर ना। चलिए तो 18 नंबर क्वेश्चन बन गया, कि दिक्कत भी हुआ किसी को? बन गया ना, तो मैच कर लीजिए एक बार लीजिए, मैच कर लीजिए, कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा, आपका प्रॉब्लम होगा स्क्रीन, बाकी किसी को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। उनको नहीं दिख रहा है, उनका प्रॉब्लम है, वो थोड़ा चेंज कीजिए सेटिंग। अच्छा आप लोग ऐसा तो नहीं लगे फास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा ना? क्या हो गया स्क्रीन? क्या अंशिका नंदनी आकांक्षा क्या नहीं थे क्या कुछ नजर दिखा था ये कैसे कितने साल हो गया सबसे आगे था ये बड़ा नहीं है सर सबके बारे में तो आप लोग क्या लग रहा है ऑनलाइन वाले भैया लोग, आप लोग का ठीक चल रहा है या फास्ट चल रहा है? सही है सर, अच्छा सर, सही है। हमको लगा सीबीएसई का बैच है ना, एक्चुअली बिहार बोर्ड का तो हम खुद स्लो चलते हैं, सीबीएसई का बैच इतना फास्ट काफी है। अच्छा ठीक है, थोड़ा स्लो हो जाते हैं, स्लो मतलब सलामत है, थोड़ा स्लो होंगे। चलिए अब बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आ गया, अच्छा इसीलिए तो फास्ट लग रहा था, तुरंत खत्म हो गया ट्रेडिंग पील खत्म हो गया। नहीं, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बहुत इजी है, कोई बड़ा बात नहीं, तो आज बैलेंस शीट का कौन सा बता देते हैं आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करें, तो बैलेंस शीट में तो बताया बहुत इजी है, ट्रायल बैलेंस से हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपल है बैलेंस शीट। ये ईयर के लिए नहीं बनता है, एज एट होता है इसमें, एज एट या एज ऑन 31 दिसंबर 2020, जो भी डेट का रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पे फॉर द ईयर नहीं लिखते, यहाँ पर एज एट लिखते हैं, मतलब क्या, ये एक दिन के लिए बताता है। आपका जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट है ना, पूरे साल भर में क्या हुआ उसका रिजल्ट है पक्का। और जो बैलेंस शीट है ना, एक पार्टिकुलर डेट पे 31 मार्च को आपके पास क्या है सिर्फ वो बताता है, मतलब समझे आप। पूरे ईयर के लिए तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग यूज करते हैं ना, ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में यूज किए फॉर द ईयर एंडिंग, मतलब वो पूरा ईयर के लिए बता रहा है। इसमें एज एट बोलते हैं, इसका मतलब क्या, वो ध्यान दीजिए। कहने का मतलब नितिन सपोज कीजिए एक कार खरीदा था 4 लाख में जुलाई में, नवंबर में बेच दिया, तो बैलेंस शीट में कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, उसका पता भी नहीं चलेगा ये कार आया था गया था, क्योंकि सिर्फ उसको ये पता है कि 31 मार्च को इसके पास कार है या नहीं, ये एक दिन का डेटा बताता है बैलेंस शीट। समझ में आया सबको? अब मान लीजिए किसी 1 लाख रुपया का लोन लिए वापस कर दिया, थोड़ी बैलेंस शीट में दिखेगा, ये सिर्फ उस दिन पे आपका कितना एसेट्स है कितना लायबिलिटीज है वो बताता है, एज एट इस डेट पे आपका क्या है पक्का। ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ कोई मायने नहीं करता है, सिर्फ 31 दिसंबर को या 31 मार्च को आपके पास क्या है वो बताता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एज एट या एज ऑन। क्लियर है कॉन्सेप्ट, समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। इसमें क्या होता है, इसमें भी अकाउंट की तरह फॉर्मेट होता है, लेकिन अकाउंट नहीं है, कभी भी बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, इसमें अमाउंट का कॉलम लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग कैपिटल प्लस लायबिलिटीज लिखते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं। और सिंपल है ट्रायल बैलेंस, इसमें 3 पार्ट है, एक पार्ट कैपिटल का हो गया, ये पार्ट कैपिटल का हो गया, यहाँ पे लाइन से नहीं देते हैं लेकिन बता रहे, ये पार्ट कैपिटल का हो गया, ये पार्ट लायबिलिटीज का हो गया, और ये पूरा पार्ट एसेट्स का हो गया। क्लियर है? यस सर,
तो ट्रायल बैलेंस में जो भी कैप्ट आपको लायबिलिटीज मिलेगा हम यहाँ पे इसको नोट डाउन करेंगे, जो भी एसेट्स मिलेगा उसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, जो कैपिटल मिलेगा तो कैपिटल को यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, लेकिन इसको बाहर में नहीं लिखेंगे, अंदर में लिखेंगे। और जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया ना उसको यहाँ पे लेके आते, याद है ना? तो अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस करेंगे और लॉस हुआ होगा तो माइनस करेंगे। प्रॉफिट हुआ है तो प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट, अगर लॉस हुआ है तो लेस करेंगे नेट लॉस। समझ में आया? प्लस माइनस करेंगे और जो भी नेट फिगर आएगा यहाँ पे लिखेंगे, पक्का क्लियर है? इसके अलावा दो तीन एडजस्टमेंट यहाँ पे और आएगा उसको सिखाएंगे, फिलहाल अभी इतना समझ रहे हैं आप, चलिए ध्यान दीजिएगा। और लास्ट में जब टोटल करके देखेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों का टोटल क्या हो रहा है, बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है इसका मतलब होगा फाइनल अकाउंट आपका सही है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैपिटल में जो नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे और नेट लॉस होगा तो माइनस करेंगे। इसके अलावा एक एडजस्टमेंट और आता है, याद कीजिए, अगर ड्रॉइंग्स रहेगा तो क्या करेंगे हम, ड्रॉइंग्स तो कैपिटल का पार्ट है ना, तो इसे माइनस कर लेंगे, पक्का? बस इतना ही ध्यान पे रखना है, क्लियर है? और बहुत ईजी है, तो क्वेश्चन शुरू करें। यस सर। बहुत ईजी है, कुछ है नहीं। बोलता है बैलेंस शीट प्रॉब्लम नंबर 19। From the following extract taken from the books of the Divakar Enterprises, Divakar Enterprises के account से कुछ लिया गया है। Prepare balance sheet as on 31st March 2018। तो debit balance दिया गया है, और इधर credit balance। इसका मतलब क्या होगा? इसमें या तो expense होगा या तो assets होगा, और इसमें क्या होगा? Income होगा या तो capital होगा या तो liabilities होगा। Land and building क्या है? Yes sir। Furniture, ऑफिस इक्विपमेंट, एसेट, बिल्स रिसीवेबल, एसेट, एसेट, कैश इन हैंड, एसेट, एसेट, बैंक, एसेट्स। अरे देखिए ड्रॉइंग्स है, इसको क्या करेंगे? कैपिटल में से माइनस करेंगे, अलग पॉइंट आ गया ना ये, इसको कैपिटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? कैपिटल कैपिटल है, सन्ड्री क्रेडिटर, Liabilities है, bills payable, liability, bills payable क्या होता है बताए थे ना? Bank loan, yes sir, liability। चलिए तो बनाएं, कैसे को बना के दिखा देते हैं आपको। फॉर्मेट पहला क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे ऐसे, balance sheet of Divakar Enterprises ना, तो balance sheet of Divakar Enterprises As at कब है? 31st मार्च 2018। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखाता है, समझे? कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, रिकॉर्डिंग स्टार्ट था ना? चलिए तो हम लोग सबसे पहले क्या, जैसे जैसे आया था वैसे लिख देंगे। तो खाली कैपिटल में ध्यान रखना है, इसमें प्रॉफिट या लॉस कुछ भी नहीं दिया है ना, ऐसे नीचे दिया है। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st मार्च 2018 15,000, एसेट्स है ना? यस सर। लिख देंगे एसेट साइड में, और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब पीएल अकाउंट बनाया उसका प्रॉफिट, इसको क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। चलिए सब कुछ क्लियर है, तो पहले हम लोग कैपिटल अकाउंट क्लियर करते हैं। तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,50,000। इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट 40,000। चलिए
ये हो गया 190, फिर इसमें से क्या कर देंगे ड्रॉइंग्स को माइनस कर लेंगे 5000 कितना था 5000 माइनस हो कभी भी इस तरह का सिंबल देते हैं ठीक है ब्रैकेट में ये आ गया 185 चलिए कैपिटल हो गया अब लायबिलिटी चार्ट के लिए कहां का लायबिलिटीज था तीन लायबिलिटीज था सन्ड्री क्रेडिटर बिल्स पेबल और बैंक लोन सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 40000 बिल्स पेबल 5000 बैंक लोन बैंक लोन 35000 एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख फर्नीचर 20000 ऑफिस इक्विपमेंट 50000 बिल्स रिसीवेबल 10000 कैश 12000 बैंक बैलेंस 28000 28 हम इस ऑफिस से कैलकुलेटर ला दिए तो हमेशा काम पड़ता है सन्ड्री डेटर 30000 सन्ड्री डेटर 30000 बस ड्रॉइंग्स हो ही गया था एक क्लोजिंग स्टॉक यहां से लिखा जाएगा पक्का ड्रॉइंग्स को तो माइनस कर ही लेना कैपिटल से इसको भी एडजस्ट कर लिया खाली 15000 क्लोजिंग स्टॉक आएगा अब दोनों को जोड़ के देखेंगे ना तो बराबर आएगा अगर बराबर नहीं आ रहा इसका मतलब कहीं मिस्टेक है समझे दोनों को जोड़ के देखिए कितना आ रहा है आ रहा है क्रॉस चेक कर लेते हैं ये तो अमेश 2,55,000 1,20,000 28,000 देख रहे क्रॉस चेक कर ले रहे हैं इधर 2,65 आ रहा है यही है बैलेंस शीट समझ में आ गया सबको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट इजी है कि नहीं यस सर ओके सर चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ठीक है बुक में ऐसे बना हुआ है ले लिए थे ना वो सही है ना जिसे बताएं यस सर चलिए आगे बढ़े यस सर यस सर चलिए चलिए कंप्यूटर सेट क्या है फर्नीचर फीचर्स बिल्स रिसीवेबल डेटर बैंक सेट क्या करेंगे
माइनस करेंगे कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ध्यान पर रखना, अलग है। चलिए कैपिटल कैपिटल डेटर लायबिलिटीज लायबिलिटी स्टेबल जो आएगा कैपिटल आएगा, बाकी सब कुछ को क्या करेंगे, लिख लिख के बता देंगे, एकदम इजी है, कोई नया चीज नहीं है। तो होमवर्क रहा आप लोगों का पक्का। अब सब कुछ मिक्स आ गया, तो आज एक ट्री क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट सब कुछ बनाना है। कहने का मतलब इसमें से आपको पांचों चीज ढूंढना पड़ेगा, कौन एक्सपेंस है, कौन इनकम है, कौन कैपिटल है, कौन लायबिलिटीज है और कौन एसेट्स है। पक्का इस दोनों को मिला के ट्रेडिंग पीएल बना लेंगे और इस दोनों को मिला के बैलेंस शीट बना लेंगे। छांटते समय खाली ध्यान रखना है कि एक्सपेंस में क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इनकम में देख लेंगे डायरेक्ट इनकम है कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट। सात आइटम पक्का। आप लोगों को पता है एकदम फास्ट क्यों लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग मॉडर्न से पढ़े, इसके लिए फाइनल अकाउंट बहुत इजी लग रहा है। जो ट्रेडिशन से पढ़ता है ना उसको हालत खराब हो जाता है, वो आज कॉन्सेप्ट डेवलप करता है कि एक्सपेंस कौन है, इनकम कौन है, कैपिटल कौन है। पक्का। और हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट ही वहां से किए। आप लोग को हम लोग अभी तक पीएल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट नहीं पढ़ा है, लेकिन लगा कहीं दिक्कत हो रहा है आप लोगों को थोड़ा भी, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड है वो, उसका यूज ही नहीं है। उसका यूज बस सिर्फ ऑब्जेक्टिव में दो चार नंबर में काम आएगा कि पहचानिए ये कौन सा अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है। पक्का। बाकी ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम किया थोड़ा भी? तुम सही कह रहे हो, वो बताने से उसका दिमाग गंदा हो जाता है आपका। कभी बता देंगे आराम से, थ्योरी पढ़ाएंगे तो। अच्छा कल से आप लोग, हाँ मंडे से आप लोग का स्लो कर देंगे। स्लो कैसे होगा कि इसका एक दो क्वेश्चन कराएंगे, बाकी थ्योरी ले लेंगे शुरू से, तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। यस सर। अभी प्रैक्टिस करते करते टेंशन होता है, आप चाहते हैं कि सर आप बकिए आधा घंटा 45 मिनट बनाना बहुत पड़ता है सर, थोड़ा सा आफत लगता है, हम लोग एक कुड़िया। ना सर, ना सर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। झूठ, मजा आता है। क्या धनंजय, बहुत मजा आता है सर। आप लोग ऑफलाइन में पंखा लगाएंगे तो मजा नहीं आएगा, ऑफलाइन क्या नहीं आते हैं आप? ऑनलाइन में सर मजा आता है। नहीं ऑफलाइन आके तो देखिए आप, यहाँ भी दूसरों को पंखा लगा लें। आएंगे सर, आएंगे सर। आपके लिए एसी बंद करवा दीजिए। एसी भी है सर, सुने हैं। क्या हो गया? एसी भी सुने हैं। एसी तो है लेकिन अभी खत्म है, एसी भी नहीं समझे। सर ठीक करवा लीजिए हमारे थोड़ा सर। अरे ऑनलाइन मजा लीजिए आप। कोशिश कीजिए आप लोग मंडे से ऑफलाइन आने का, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, दो मिनट रेस्ट लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको ये क्वेश्चन। ठीक, हम यहाँ पे किताब लेंगे, आप लोग को समझ में नहीं आएगा और आप बोलना पड़ेगा, यहाँ देखो वहां देखो, डायरेक्ट दिखता है, ये बहुत फायदेमंद चीज है, मौका मिलना चाहिए था। इसके लिए सिर्फ दोस्ती नहीं होती है, इसके लिए किसी से कितना नहीं है। छोटा है ना आपसे, परेशान करता हूँ, धमकाएंगे तो सुना दे जाएंगे, तो तुम्हें रखते रहेगा उसको, बोलिएगा मोबाइल
पापा ही ना मानेंगे जो मना उसको करेंगे हम कुछ नहीं देंगे बेटी को चलिए तब हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चन बोल रहा है फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है मतलब इसमें हम लोग आइटम को ढूंढेंगे इसमें हम लोग को सात आइटम मिलेगा नॉर्मली हम लोग पांच थे क्या एक्सपेंस इनकम कैपिटल लायबिलिटीज और एसेट्स अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग पांच को सात हो जाएगा सात क्यों होगा क्योंकि एक्सपेंस दो तरह का हो जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट पक्का चलिए इसके अलावा आपको ऑप्शन में खाली रहेगा ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक तो क्लोजिंग स्टॉक नीचे में दो जगह जाएगा पक्का याद कीजिए ट्रेडिंग अकाउंट में भी आता है और बैलेंस शीट में भी आता है नहीं इसीलिए वो एडजस्टमेंट है वो दो जगह जाएगा उसको अलग से दिया गया है ना तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के शुरू में आएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलना गलत है ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ही बोलिए पक्का डायरेक्ट एक्सपेंस बोलना गलत है ना बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पर आता है लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो है तो एसेट्स है कि नहीं चलिए यस सर बिल्स रिसीवेबल क्या है एसेट ऑनलाइन है दो ही को लोग बोल रहे हैं निशांत और धनंजय बाकी लोग अभिषेक वासु विक्रम सर हम भी हम बोल रहे हैं निशांत आप तो बोल रहे हैं हाँ विशांत अच्छा विशाल आपका नाम इतना है जो वी से एकदम लास्ट में रहते पता ही नहीं चलता है यस सर बोलते हैं यहाँ विशाल तो बोल रहे चलिए सेल्स बताइए क्या है डायरेक्ट डायरेक्ट परचेज क्या है डायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिटर ऑफिस में होता है ना इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस डेटर एसेट्स कैरेज डायरेक्ट एक्सपेंस कमीशन डेबिट है इसका मतलब एक्सपेंस है कमीशन है ना डेबिट है मतलब एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया इंटरेस्ट डेबिट है इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या बोले निहाल प्रिंटर नहीं है प्रिंटिंग है प्रिंटर रहता तो एसेट्स होता है प्रिंटर नहीं प्रिंटिंग है पक्का क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस बिल्स पेबल रिटर्न इनवर्ड तो पहले ध्यान दीजिए रिटर्न इनवर्ड कंफ्यूज मत कीजिए इनवर्ड का मतलब अंदर की तरफ आया है सेल्स रिटर्न है ये क्या है सेल्स रिटर्न मतलब क्या होगा सेल्स में माइनस होगा डायरेक्ट इनकम माइनस हो जाएगा सेल्स से माइनस होगा डायरेक्ट इनकम में उसे माइनस कर लेंगे ना रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न है ये क्या होगा परचेज से माइनस हो जाएगा बैंक एसेट्स है रेंट एंड टैक्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस फर्नीचर एसेट्स कैपिटल है पक्का अब क्या करेंगे फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देते क्या बनाइएगा आप लोग बनाएगा ना तो सुन लीजिए कैसे बनाइएगा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाएंगे एक फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए सबको यहाँ पे लिखेंगे जो जो लिखते हैं पहले सबको लिख लेंगे कैपिटल खाली अंदर में लिखना है ध्यान रखना है कैपिटल को अंदर में लिखेंगे पक्का बाकी लायबिलिटीज एसेट सब लिख लेंगे उसके बाद लास्ट में क्लोज करेंगे क्लोज कैसे करेंगे बताते हैं सब लिखने के बाद पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे पक्का ऐसे तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा लॉस भी आ सकता है तो ग्रॉस प्रॉफिट सपोज कीजिए आएगा तो इसको क्लोज किए फिर यहाँ इसको ले आएंगे ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ले आएंगे पक्का फिर इसको नेट प्रॉफिट इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा तो ये नेट प्रॉफिट आएगा इसको कहाँ ले आएंगे कैपिटल में लेके आएंगे इसमें जोड़ देंगे और फिर यहाँ लिख देंगे उसके बाद जब इस दोनों का टोटल करेंगे तब बराबर आ जाएगा यही करना तीनों को कंबाइन करना और कुछ नहीं करना एक बना ही देते हैं नहीं समझे टाइम है बना ही देते हैं पहला क्वेश्चन है उसके बाद बस उसके बाद खाली बहुत फास्ट भागेंगे चलिए एक बनाते हैं नाम दिया है किसका ट्रेडिंग अकाउंट है किसी क्या बोले ये हारमोनियम बजा रहा है कोई हेलो नेट भाग गया क्या आवाज आ रहा है किसी को लगता नेट चला गया
नेटवर्क चला गया। बेचारा लोग पीला आवाज दे रहा होगा सर, आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। नहीं आप लोग को आवाज नहीं आ रहा है पता है, थोड़ा वेट कीजिए। क्या हो गया, जा रहा होगा ना, आप लोग आवाज नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना। सर वीडियो नहीं है, वीडियो अभी आएगा, वीडियो अभी आएगा। आ रहा है वीडियो, आ गया सर, वीडियो यस सर, यस जो फाइनल कौन बनेगा, किसका बनेगा, फाइनल कौन बनेगा, किसका बनेगा, मैसा फॉर्मूला लैंड संस का बनेगा। आवाज किसका है, और पीरियड कब दिया है, 31st मार्च 2018। चलिए तो हम लोग पहला बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स मंगल, for the year ending 31st March 2018, कौन सांस ले रहे हैं, गूगल क्लासरूम में सांस लेना मना है, क्या नितिन, नितिन अगर सांस लेगा तो दिया जाएगा, नितिन यहाँ पे क्या लिखते हैं, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पार्टिकुलर, चलिए तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, कितना है, 12,500। उसके बाद इसी तरह बनाते हैं, उसके बाद लिखेंगे टू परचेज। तो जैसे परचेज लिखेंगे ना, पहले ध्यान पे रखेंगे क्या रिटर्न है, तो हाँ इसमें रिटर्न है, तो साथ साथ लिखेंगे। परचेज कहाँ था, यहाँ पे था 37,500, और रिटर्न यहाँ पे था 500, नहीं तो 37,500 - 500, तो ऐसे लिखेंगे परचेज, लिखेंगे 37,500 और लेस करेंगे रिटर्न, उसके बाद देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ कहाँ है, नहीं तो डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज हो गया सेल्स, नितिन बोल रहा है, क्या नितिन क्या लगता है, हम इधर ध्यान दिए हुए हैं, हैं आवाज भी पहचानते हैं कौन बोला। चलिए कैरेज होगा कितना, 1450। प्यार वार हो गया क्या नितिन किसी से, नितिन लग तो लक्षण वही रहा है क्या सुधांशु, पता कीजिए तो, पकड़ ली रहा है, ये दिमाग का नहीं दिल का प्रॉब्लम है। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंस और कहीं है, कहीं नहीं है पक्का, और डायरेक्ट इनकम में सेल्स है, तो सेल्स जब भी लेंगे तो हम देखेंगे सेल्स रिटर्न में माइनस करेंगे पक्का, तो सेल्स कितना है 70,000, और सेल्स रिटर्न कितना है 1300, तो 70,000 - 1300। ऑनलाइन में सबका आवाज आ रहा है,
मर गए आप लोग सांस लेते हल्का हल्का बड़ी टेंशन है पंखा चला दे सर मजा लेने लगा लेकिन नहीं अच्छा पंखा चला लीजिए माइक बंद रखिए माइक नहीं खुलेगा फिर सोच लीजिए 1300 माइनस लेस रिटर्न कितना फ्रेंडली हो गया देखिए आप ऑनलाइन में कितना फ्रेंडली हो गया कितना का देना बताइए ये यहाँ पे आएगा सर 7 हो जाएगा 2060 कितना था सर हमको तो आपसे पूछते हैं 68,700 का ना विश्वास कर ले चलिए यस सर और कुछ आता है इसमें क्लोजिंग स्टॉक आता है पक्का है ना तो बाय क्लोजिंग स्टॉक पंद्रह हजार बस और कुछ तो नहीं था क्लोज कर देते हैं जीरो जीरो सेवन आठ पांच तेरह तो अच्छा 178 83,700 बैलेंस निकालते हैं जीरो पांच पांच दस की जीरो एक छ चार दस सात सत्रह तो अच्छा 1 3 7 10 1 11 12 13 1 2 3 5 5 3 8 देखिए ग्रॉस प्रॉफिट आंसर दिया हुआ किताब में लिखा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट इतना हाँ यस सर यस सर का मतलब यहाँ तक सही है ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन पक्का यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्राउ डाउन कितना लिखेंगे यहाँ पे 32,750 चलिए ठीक है अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे पहला छांट के इनडायरेक्ट इनकम कहीं पे दिखा था आप कहाँ दिखे नितिन 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 सब जगह आपको नहीं वही दिख रही क्या ये प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ इतना अच्छा स्टूडेंट ख्वाबों में खोया हुआ है क्या नितिन इसीलिए सुबह सुबह दौड़ रहा है वजन कम कर रहा है लड़की बोली सब कुछ ठीक है तो वजन हल्का सा कम करो हल्का सा इसीलिए इसमें टहलते हुए दिखा गया है दौड़ते हुए नहीं नितिन नितिन बोला दौड़ेंगे ज्यादा कम हो जाएगा नहीं थोड़ा सा पढ़ाई भी कर ली समझ में आ रहा है हम जब सीए फाइनल में थे ना तो हमारे रूम पार्टनर थे चंद्रमोहन पांडे यूपी के समझे आप यूपी के थे चंद्रमोहन पांडे बेचारा वो सीए फाइनल में थे और वो एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे एकदम फ्रस्ट्रेट रूम पार्टनर बने कुछ दिन के लिए भगवान से भी नफरत हो गया नास्तिक हो गया समझे नास्तिक समझते हैं ना जो भगवान विश्वास उठाता है तो एक दिन हम उनका दिल का दास्तान सुने बोले क्या हुआ बोले देखिए कुंदन जी हम सी एंटो तो पास कर गए सी ए फाइनल का फर्स्ट ग्रुप निकल गया उसके बाद मेरा एंगेजमेंट हो गया अब वो 3 साल से सेकंड ग्रुप ही नहीं निकल रहा है तो मेरी माँ झगड़ा करती तुम मनहूस है तुम पनौती है और वो हमसे झगड़ा करती है और सही में सी ए ग्रुप का सेकेंड ग्रुप नहीं निकल रहा है विश्वास कीजिएगा जो फ्रस्ट्रेशन लेवल था समझ रहे 3 साल हो गया एक ग्रुप नहीं सी ए का फाइनल का सेकेंड ग्रुप थोड़ा सा डिफिकल्ट हो ही जाता है भगवान से विश्वास उनका उठ गया हमको याद है हम उनको जबरदस्ती मंदिर लेके गए थे और नहीं रीचेक में कॉपी डालना पड़ता है कभी कभी रीचेकिंग होता है ना पढ़ते ही नहीं थे मतलब उस टाइम में भी वो पास नहीं होते एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके थे पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए थे चंद्रमोहन पांडे फेसबुक पे उस दिन देखे थे अच्छा लगा बातचीत नहीं हो पाता है रीचेकिंग में उनका 192 आया था 200 में पास होता है 400 में 200 लाना होता है ना 50% 192 नंबर आया था उनका और वो फेल थे तो फॉर्म तो भरे लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था और हमारा एग्जाम था तो विश्वास नहीं कीजिएगा भगवान विश्वास रखना चाहिए एग्जाम का एडमिट कार्ड आया और उनका आया कि ये वो पास कर गए 204 नंबर बिना एग्जाम दिए पास कर गए रीचेकिंग में इसको बुलाया था किस्मत भगवान में विश्वास कीजिए समझे देखिए संग बसता नहीं भगवान बोलता एकदम प्रकट हुए ये तो सब जो कहानी सुना रहे मनगढ़ंत कहानी है रियल स्टोरी है विश्वास करते रहिए एकदम भाई परेशान कर रहा है उसको बोलिए भगवान से डर लगता है अच्छा ये कहानी सुनकर थोड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था कि नहीं नितिन yes, इसलिए लाइफ में क्या ना हर एक तरह का सिचुएशन देखे हुए हैं समझे
और गारंटी बोलते अगर उनका रीचेकिंग भी नहीं होता ना तो एग्जाम पास नहीं कर पाते, इतना फ्रस्ट्रेट थे कि पढ़ाई कहाँ कर पाते थे, वो फ्रस्ट्रेट थे एकदम। इसीलिए बोलता है भगवान विश्वास रखना चाहिए, हम जबरदस्ती उनको मंदिर ले गए थे, हमको याद है भगवान पे हमको विश्वास है, मतलब अंधविश्वास नहीं, समझ में विश्वास समझते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं अकाउंट कॉपी रखे हुए साला एकदम जब किए जा रहे हैं, जब किए जा रहे अकाउंट पढ़ खत्म नंबर आ जाए, ऐसा नहीं है, समझे आप। पढ़ाई करना पड़ता है, बस पढ़ाई करते रहिए तो लगे कि भगवान है साथ में बस। चलिए यहाँ तक हो गया सबका, तो नितिन तो कहाँ आपको दिखा इंडाइट का बताइए थोड़ा सा, कहीं है क्या, कहीं नहीं है ना। चलिए तब इंडाइट एक्सपेंस लेना शुरू करते हैं, कहाँ से है तो पहला इंडाइट एक्सपेंस सैलरी है, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी, थ्री एट फाइव जीरो, थ्री एट फाइव जीरो। उसके बाद कमीशन है 750, उसके बाद इंटरेस्ट है 900, प्रिंटिंग है 250, अच्छा प्रिंटर रहता तो एसेट हो जाता, समझ में आया ना। उसके बाद रेंट एंड टैक्स 1300, बस और कुछ नहीं है। सैलरी के बगल में दो का था, ये शॉर्टकट मारे आज प्रॉब्लम कर दिया, नहीं ठीक है क्यों देख रहे हैं इसके लिए इंश्योरेंस, मरने के बाद इंश्योरेंस बोला, इंश्योरेंस 200। चलिए निशांत का अच्छा परफॉर्मेंस ऑनलाइन में सर, हाँ मैं विशाल हमेशा ही बोलते हैं आप लोग, मतलब निशान से आवाज मिलता है आप, हाँ आवाज दोनों का सेम है इसीलिए। अच्छा ठीक, अच्छा इसी तरह बोलते रहेगा हम विशाल, समझे जी। ये 32,750 का बैलेंस निकाल लेंगे, 3850 प्लस 750 प्लस 900 प्लस 250 प्लस 1300 प्लस 200 माइनस 32,750, नेट प्रॉफिट 26,700 दिया है। हाँ नो सर, 25,500, 3850 प्लस 750 प्लस 900 प्लस 250 प्लस 1300 प्लस 200 माइनस 32,750, 25,500 सही है, जोड़ घटाव गलती हुआ तो 25,500 दिया है ना, सही yes, है 25,500 ही आ रहा है। अब मास्टर वाला जबरदस्ती नहीं लिख दिया है, वेरीफाई कर सकते हैं, समझे कि नहीं। नेट प्रॉफिट क्या लिखेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ऐड हो जाएगा ये। चलिए बनाते हैं बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट ऑफ मैसर्स मंडल एंड सन्स, चिंता भी था इसका यार, बेचारा वैसे छोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर द ईयर लिखे थे, यहाँ पर फॉर द ईयर नहीं लिखते, यहाँ पे लिखेंगे एज एट या एज ऑन 31st मार्च 2018। आप विशाल नहीं सर, नहीं सर गर्ल्स आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते हैं, आप लोग आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ईशा आकांक्षा सदाप आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ईशा तो पूरी तरह मास्क लगाया हुआ है सॉरी, बाकी आप लोग बोलते हैं, नंदिनी आप क्यों नहीं बोलते हैं, मन मन में बोलते हैं, तो हम चले मन ही मन पढ़ाते हैं आज से, तो कल से क्लास में आने की जरूरत नहीं है,
तो घर में बैठे बैठे मन मन पढ़ा देंगे, सही नहीं लगा? कैपिटल प्लस कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस सर, यस सर। चलिए अब हम लोग कैपिटल, पहले कैपिटल खत्म कर लेते हैं। कैपिटल कितना था? कैपिटल 7,100। प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हुआ है सर। ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 25,500। यस सर। ड्रॉइंग वगैरह कुछ था क्या? नो सर। तो इतना ही हो जाएगा 25,530, 32,600। लायबिलिटीज ढूंढिए अब। बिल्स पेएबल सर 20। ना क्रेडिटर पहला है 20,000। अर्पित अगला लायबिलिटीज आप बताइए। बिल्स पेबल कितना? ठीक, चलिए अगला निहाला बताइए। तो बड़ी मार मारेंगे, नहीं है पक्का? चलिए एसेट का नाम बताइए, पहला एसेट बताइए। तो सर बी बिल्स रिसीवेबल 2,000। बैलेंस शीट में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और है, बताएंगे बाद में कितना है। सुधांशु अगला एसेट्स आप बताइए। कितना? ठीक, तीसरा अक्षय आप बताइए। पक्का उसके बीच में कोई नहीं ना था? ठीक, कुंदन चौधरी आप बताइए। फर्नीचर 1,000। और कुछ है क्या? क्या है नितिन, और कुछ नहीं ना है? नितिन, नितिन हाँ है, चल रहा है दिमाग। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 बाकी है क्या नितिन? कितना का क्लोजिंग स्टॉक? राजशेखर भी आज ऑनलाइन नहीं है। चलिए हो गया। अब इसका देखिए सबसे बड़ा चीज क्या, अगर बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ गया तो ठीक है, बराबर नहीं आया मतलब कहीं ना कहीं गलती की है आप। पक्का आज आंसर लगेगा भाई के सामने बनाएगा, लेकिन देखो हम कुछ कुछ लिखेंगे, देखो बराबर आएगा, जुड़ के देखो। अरे बाप रे, तो भगवान ही। तो 2,000, 32,500, 5,250, 1,000 और 15,000। 55,750 दिया है, आंसर दिया है, टोटल बैलेंस शीट दिया है 55,750। यस सर, यस सर। इधर हो गया आपको 32,600 + 20,000, 31,50, 55,750 बराबर आ गया। लगता नहीं जादू, जादू की तरह नहीं लगता है? नहीं लगा? यस सर, बराबर आ जाता है। यही है बैलेंस शीट टैली करना, इसी को बोलता है। मेरा बैलेंस शीट टैली कर गया, समझे आप? और जो अलग खुशी मिलता है बैलेंस शीट टैली करता है, अलग खुशी मिलता है, मतलब कि हम सक्सेस हो गए। नहीं, और आंसर नहीं मिलेगा तो पूरा दिमाग शुरू से लगाना पड़ेगा, मिस्टेक कहाँ हुआ। चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर एक क्वेश्चन था कि है अभी भी है सर? हाँ बोले सर। क्लोजिंग स्टॉक दो 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 बार लेंगे। अरे एडजस्टमेंट है ना, हर एक एडजस्टमेंट होता है, सिखाए नहीं थे कि क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री नहीं हुआ, एंट्री होगा दो जगह एंट्री होगा,
ट्रेडिंग अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट बाय क्लोजिंग स्टॉक आया, इस पे तो पूरा भाषण दिए थे, अब कहाँ थे? विशाल बोले कि नितिन कौन है, निशांत है, निशांत है, बीच में आप गायब थे क्या स्टॉक वाले कॉन्सेप्ट पे? नितिन खड़े हो गया, एक्सप्लेन कीजिए क्या बताए थे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में, क्या बताया, दूसरी जगह क्यों आ रहा है? हाँ नीचे लिखेंगे इसका मतलब इसका एंट्री नहीं हुआ है, और हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, तो इसमें दो इफेक्ट क्यों? ट्रेडिंग अकाउंट में हम एक्सपेंस को कम कर रहे हैं और एसेट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक अलग से है ना, तो इसमें हम क्या किए, तो हमारा परचेज था, परचेज बच गया, तो हम परचेज को कम किए, तो यहाँ पर एक्सपेंस कम हुआ, ये जो किया है ये क्या किए, एक्सपेंस को कम किए हैं, और इधर हम एसेट में ट्रांसफर कर दिए, ये हुआ एसेट में ट्रांसफर कर दिए पक्का, तो हर एक इफेक्ट होता है ना, ये आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे है, दिख रहे हैं? बहुत सारा आइटम दिया रहेगा, सबको दो दो जगह लेंगे, समझ पा रहे हैं? वही है फाइनल एडजस्टमेंट, ले लिए इसकी शॉट, ले लिए इसका भी लीजिए, ले लिए सर, ले लिए सर, चलो हो गया सर, तो हम बताएंगे आपको, बन जाएगा ना, देखे yes, सर। और साफ साफ दिया है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक अलग से दिया है, ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई नया आइटम तो नहीं है, सैलरी इंश्योरेंस कैश परचेज रेंट ड्रॉइंग बिल्स पेबल बुक डेट्स, बुक डेट्स का मतलब डेटर, बुक डेट्स का मतलब, ये क्वेश्चन बताइएगा अभी आगे क्या, नहीं 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 वैसे नहीं नहीं बता रहे हैं, बताओ आप बस आ जाइए ना, अच्छा है पूरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, बता नहीं रहे आप आ जाइए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बुक डेट का मतलब क्या होता है, डेटर, ओपनिंग स्टॉक बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज है आपका, पता है ना, कैरेज क्रेडिट ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, मिस्टेक मत कीजिएगा, सेल्स रिटर्न मशीन वेजेस सेल्स परचेज रिटर्न कैपिटल क्लोजिंग, कुछ नया नहीं है, बन जाएगा, तो कहाँ कहाँ था, बुक डेट का मतलब डेटर को हम लोग बुक डेट भी बोलते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इजी केस था, लेकिन न्यू स्टूडेंट कोई होंगे तो बता देते हैं कि लायबिलिटीज है बैंक से जब एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं, और ट्रेड एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, कभी भी ट्रेड मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, वहां भी आपको हाईलाइट किए थे, बन जाएगा, बना के लाइएगा, यस सर।